लाल की, जय कन्हैया लाल की। तो यहाँ हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जन्माष्टमी का दिन है आज। सुबह सुबह यहाँ पे चल रही है डेकोरेशन की तैयारी। तो यहाँ पे अलग से टेबल लगा के मैं डेकोरेशन कर दूंगी, क्योंकि 56 भोग लगाने होते हैं ना, तो मंदिर में वो नहीं लग पाएंगे। बाकी खाली अगर पूजा करनी हो तो मंदिर में हो जाती है। तो बस बेटी कह रही थी आप मुझे बताती रहो, मैं करती रहूँगी। पर वो बताते रहने और करने के बीच में कब सारी डेकोरेशन कम्प्लीट हो गई पता ही नहीं चला, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम कर भी नहीं सकते ना। तो कील ठोक सकती हूँ मैं यहाँ पे कहीं पे, ना कोई स्टैंड वगैरह है, तो बस जुगाड़ से जैसा हो पाया वैसे मैंने कर दिया। वैसे मैं सोच रही हूँ डेकोरेशन के लिए जो स्टैंड वगैरह बनते हैं वो बनवा लूँ, पर चलो देखते हैं आगे क्या होगा। आज तो फिलहाल डेकोरेशन हो गई है। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ। सबसे पहले मैं मक्खन निकाल लेती हूँ लड्डू उबाल के भूख के लिए। तो ये फ्रेश मलाई निकाल के मैं इसी का मक्खन निकालूँगी थोड़ा सा। तो और भाई आज देखो क्या हुआ है, मतलब मौके पे हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ गड़बड़ क्यों हो जाती है। मेरी मिक्सी ख़राब हो गई है और अब मैं इसे हाथ से ही निकालूंगी मक्खन को। अब मिक्सी तो जब जाएगी, सही होने जब जाएगी। चलो भाई अब इसका काम करते हैं। पहले मक्खन निकालती हूँ, धनिया पंजीरी बनाती हूँ और उसके बाद करती हूँ आगे का काम। तो भाई मैंने यहाँ ना बर्फ़ डाल ली है ये, और अब मैं इसे ऐसे 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 घुमाऊँगी तो इससे मक्खन निकल जाएगा जल्दी। तो कम मलाई वलाई हो ना उसका तो आसानी से निकल जाता है, ज़्यादा हमें दिक्कत पड़ती है। मतलब दिक्कत नहीं पड़ती, वो भी आसानी से निकल जाता है। तो मैंने तो यहाँ ना मलाई से निकाला है, आप चाहो तो दही जमा के ना फुल क्रीम दूध का उसका भी निकाल सकते हो। तो लड्डू हमारे आ गए हैं और अब चलिए लड्डू को स्नान करा लेते हैं। तो मैंने यहाँ दूध दही शहद शक्कर सब चीज़ एक कटोरी में डाल ली है। देखो ये हमारे लड्डू की पोशाक, जो अच्छा हुआ मैंने काफी दिन पहले ही बना दी ताकि ये आज पहना तो पा रही हूँ, वरना जिस हिसाब से भी मेरी रेल बनी है ना भाई, शायद ही मैं कर पाती। ये है सुंदर सुंदर सी पोशाक, रखा हुआ भी कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ब्राइड का लहंगा हो, क्योंकि इसमें नीचे मैंने वो लगाई हुई ना बुकरम, तो खड़ा खड़ा सा है। तो चलो भाई अब हमारे लड्डू गोपाल का हम श्रृंगार कर लेते हैं, आपको दिखाएंगे फाइनल लुक। तो भाई ये देखो मैंने ये अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर दिया है भाई, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर चमचमा रहे हैं बिल्कुल। इनका आज का श्रृंगार दिखा देते हैं। तो देखो लड्डू आप कैसे लग रहे हो? बोलो गणपति भगवान की जय, बोलो लड्डू गोपाल की जय। अच्छे से लग, पहले ही पानी, वाह तू भी खाने का, एक एक करके आगे तो करो उनके। अरे एक एक करके उनको दिखाओ तो लड़ू, लड़ू, मक्खन पहले मक्खन तो लाओ यहाँ पर। ये आवाज भी पलटू की है। हैप्पी बर्थडे लड्डू, गॉड ब्लेस यू। नहीं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। तो
फैमिली पूजा हो चुकी है, लड्डू गोपाल को श्रृंगार करा दिया है, स्नान भी करा दिया है और अब हमारे लड्डू गोपाल झूला झूल रहे हैं। और भाई मैं थक इतनी गई हूँ ना, मैं तो यहीं फंस जाऊंगी मैं तो यहीं फंस गई। कुछ सामान लाना था तो मैं अपनी लोकल मार्केट में ही पास में चली गई थी और भाई जब हम गए तब बहुत तेज धूप हो रही थी और एकदम मौसम बदला और जैसी बूंदाबांदी शुरू हुई हमने स्कूटी स्टार्ट करी। 2 मिनट का रास्ता है मेरे घर का और 2 मिनट में ही इतनी तेज बारिश थी कि हम बिल्कुल भीग गए। भगवान जी खुश है, गुस्से में समझ में नहीं आ रहा मुझे। एकदम हालत हुई है भगवान, सारे कपड़े गीले हो गए हैं, अब कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। हैं शाम के 4, तो चलिए 56 भूख की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे अभी बनाया है शिकंजी, तो कुछ तो मैं मिठाई लेके आ गई थी, सीधे पहले तो मिठाई रख लेती हूँ। जय कन्हैया लाल की। और लड्डू गोपाल यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपनी पार्टी का। झूला 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 आओ आओ जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, मारा सांवरिया अरे है मनोहार जी। आओ आओ जी मोजी भोग लगाओ, 56 भोग बन के तैयार है। और लड्डू के साथ साथ सारे भगवान जी को भी मैंने बिठा दिया है ताकि सभी जो है 56 भोग खा सके। कहना सो जा जरा, कहना सो जा जरा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, कदंत दयावंत चार बुझाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। तो भाई भोग सबने लगा लिया है और मैंने लड्डू गोपाल को सुला दिया है। अब जो है रात के 12 बजे के बाद लड्डू गोपाल का हम जन्म करेंगे और अब ये सारा भोग मैं यहाँ से उठा दूंगी। चलिए आप देख लेते हैं लड्डू के लिए गिफ्ट में क्या आया है। तो भाई लड्डू के लिए मैं कई बार ना इयररिंग्स वगैरह दे चुकी हूँ, गोल्ड के मेरे ख्याल 3-4 बार दे चुकी हूँ। और जो मैं अभी लाई थी ना वो भी इन्होंने थोड़ी देर पहले घुमा दिया था, पर खोया नहीं है, उठा के रख लिया है मैंने। और मुझे किसी ने ना कमेंट करके कहा था कि लड्डू गोपाल को गोल्ड पसंद ही नहीं है, वो गोल्ड के रखते ही नहीं है, आप चांदी के डालो। और चांदी के है ना आसपास मिले नहीं भाग दौड़ में, तो मैं उनके लिए गिफ्ट में क्या लाई हूँ चलिए आपको दिखाती हूँ। और वैसे भी हम कौन होते हैं लड्डू को कुछ देने वाले, लड्डू खुद लेते हैं उन्हें जिनसे जो लेना है। तो भाई मैं लेके आई हूँ लड्डू के लिए सुंदर सा प्यारा सा मुकुट, चांदी का है ये और इसमें मोर पंख लगा हुआ है। तो भाई ये देखो इतना क्यूट सा है ये। और सुबह से मैंने लड्डू गोपाल को पगड़ी पहना रखी है ड्रेस के साथ ही, इसीलिए मैंने पहनाया नहीं क्योंकि मैं इन्हें ना जन्म के बाद पहनाऊंगी, इसे जब उनका जन्म हो जाएगा ना तब पहनाऊंगी, एक बार तब देंगे उन्हें गिफ्ट। गिफ्ट तुरंत थोड़ी यूज करते हैं, गिफ्ट तो बाद में भी यूज कर सकते हैं। देखो ये है प्यारा सा सुंदर सा हमारे लड्डू गोपाल का मुकुट और ये देखो पीछे से ना ऐसे एडजस्ट हो जाएगा ये इस तरह से। और अब टाइम हो गया है 11:50, 10 मिनट थे तो मैंने सोचा थोड़ी तैयारी कर ली जाए। तो यहाँ मैंने लड्डू गोपाल की पोशाक वगैरह निकाल ली है जो अब मैं जन्म के बाद स्नान के बाद उन्हें पहनाऊंगी। तो ये वाली पोशाक लेके आई थी मैं उनके लिए जन्माष्टमी के लिए और ये मुकुट, तो अब उन्हें रेडी करेंगे तो इन वाले ड्रेस में रेडी करेंगे। और भाई क्योंकि इतनी ज़्यादा मैं थकी हुई थी ना तो मैं तो कहीं मंदिर वंदिर कहीं नहीं गई और यहाँ जन्म करवा दिया था और ये मैंने लड्डू गोपाल को सुंदर सा सजा के और भोग वगैरह लगा के झूला झूला रही हूँ। और हस्बैंड और मैं ही थे, बच्चे वगैरह सब सो गए थे, लेट हो गए थे, सब थक रहे हैं और कल स्कूल भी है। तो भाई हमने सारा काम वाम कर लिया है और ये है हमारे लड्डू गोपाल का आज का गिफ्ट और ये है श्रृंगार जन्म के बाद का। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फैमिली बहुत लेट हो गए हैं, अब लड्डू गोपाल को मैं सुला देती हूँ और फिर खाना खा लेते हैं। ब्लॉग में ये एंड करती हूँ, आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ब्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।